हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से लेफ़्ट साइड का थर्ड मोलर एक्सट्रैक्ट किया है। इन पेशेंट में बहुत ही कम माउथ ओपनिंग है, इनका थर्ड मोलर काफ़ी ज़्यादा केरियस है, बहुत बड़ी कैविटी है जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा पेन था। करीब 10 डेज से पेन चल रहा है जिसके कारण इनकी माउथ ओपनिंग बिल्कुल ही कम हो गई है, इतनी कि एक ही स्पून भी इंसर्ट नहीं कर पा रही थी खाना खाने के लिए। अभी थोड़ी सी इनकी माउथ ओपनिंग हुई है और ये एक्सट्रैक्शन के लिए आई हैं। ये इनका एक्सरे है, एक्सरे में आप देख सकते हो कि ये मीजियल साइड में कितनी बड़ी कैविटी है। इनका एक्सरे मैं प्रॉपर नहीं ले पाई बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड माउथ ओपनिंग। तो मैंने स्टार्ट किया है लोकल एनेस्थीजिया जेल लगा के। लोकल एनेस्थीजिया जेल को मैं अच्छे से रब कर रही हूँ। सिर्फ वन फिंगर माउथ ओपनिंग है, इससे ज्यादा माउथ ओपनिंग इनकी नहीं है। अब इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक मैं दे रही हूँ। लोकल एनेस्थीजिया सॉल्यूशन बहुत ही धीरे एडमिनिस्टर करना चाहिए जिससे पेशेंट को पेन फील नहीं होगा। एस्पिरेट एंड देन स्लोली इंजेक्ट। अब पकल नर्व ब्लॉक, अगेन एस्पिरेट एंड देन स्लोली इंजेक्ट। स्लाइट एक्स्ट्रा ओरल मसाज। अब मैं पहले चेक करूंगी कि एनेस्थीजिया हुआ है या नहीं बाय इंसर्टिंग द पेरिओस्टियल एलिवेटर इनटू द जिंजाइवल सल्कस बोथ बक्कली एंड लिंगुअली। पेशेंट कंप्लीटली कंफर्टेबल है, उसको कोई पेन फील नहीं हो रहा है। अब मैं रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर रही हूँ। जिंजाइवा को बोथ बकली एंड लिंगुअली रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। अच्छे से मैंने रिफ्लेक्ट किया है यहाँ पे। अब रिफ्लेक्शन कंप्लीट होने के बाद मैंने एलिवेटर यूज किया है। एलिवेटर से मैं धीरे धीरे टूथ को एलिवेट कर रही हूँ। हमेशा मैं एक्स्ट्रा ओरली मैंडिबल को सपोर्ट जरूर करती हूँ। टूथ मूव करने लग गया है। बट स्टिल मैं ट्राई कर रही हूं कि एलिवेटर से ही टूथ पूरा निकल जाए। एंड टूथ निकल गया है। अब यहाँ पे फोर्सेप इंसर्ट करने की तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, सो मैंने ट्वीजर से टूथ को पकड़ के निकाल लिया है। And the tooth is out. काफी लंबी roots हैं इसकी। Patient भी बिल्कुल comfortable है, उसको कोई pain नहीं हो रहा है। Slightly compress करेंगे उस area को।
एंड कॉस पीस से उसको पैक कर देंगे। और पेशेंट को उस पर बाइट करने के लिए कहेंगे। तो ये है विजडम टूथ, जिसमें इतनी बड़ी कैविटी है, ये डिस्टल कैविटी है, इसमें सारा टिश्यू मटेरियल अंदर गया हुआ है। इसी कारण पेशेंट को पेन था। तो फ्रेंड्स, आप सभी को भी अपने दांतों का ध्यान रखना है, इस स्टेज पे नहीं आने देना है, अदरवाइज दांत की बहुत बुरी हालत हो जाती है एंड बहुत सीवियर पेन हो जाता है। तो हमें अपने दांतों का ध्यान रखना है, साल में ज़रूर दो बार डेंटिस्ट विजिट करनी है, रेगुलर चेकअप्स करवाने हैं, जैसे कि आपके दांतों की ये कंडीशन ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ गुड डे।